कभी कांग्रेस और अकाली दल को मालवा के कई विधानसभा क्षेत्रों में जीत दिलाने वाले अरविंद खन्ना भाजपा के लिए उम्मीद जगा रहे हैं। कुछ समय तक राजनीति से दूरी बनाने के बाद अरविंद खन्ना फिर से मैदान में उतर गए हैं। पिछले दिनों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और भाजपा ने संगरूर से उन्हें उम्मीदवार बनाया है, लेकिन संगरूर के अलावा मालवा क्षेत्र की दूसरी सीटों पर भी अरविंद खन्ना भाजपा के लिए उम्मीद जगा रहे हैं। दरअसल अरविंद खन्ना ने पिछले करीब 6 सालों से राजनीति से दूरी बना रखी थी। इस बीच उन्होंने पंजाब के लोगों से जुड़ने का अभियान चलाया और अपने एनजीओ उम्मीद के माध्यम से लोगों के घरों तक अपनी पहुंच बनाई। उम्मीद को पंजाब का सबसे बड़ा नेटवर्क वाला एनजीओ बताया जाता है। इसकी पहुंच पंजाब के करीब 600 गांव तक है। पंजाब के मालवा क्षेत्र में इस एनजीओ की बड़ी भूमिका रही है। यह एनजीओ महिलाओं, बच्चों और खासकर दलितों के बीच काम करता रहा है। बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं को रोजगार देने के लिए भी इस एनजीओ ने कई काम किए हैं। इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए अलग अलग जगहों पर इसने प्लेसमेंट सेल खोल रखे हैं। इससे लाखों की संख्या में महिलाएं जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि पंजाब के 125 करोड़ लोगों को इस एनजीओ ने किसी न किसी तरह का फायदा पहुंचाया है। इसके कारण अरविंद खन्ना के भाजपा से जुड़ने के साथ एनजीओ के लोग भी कमल के लिए प्रचार करने लगे हैं। अरविंद खन्ना को इस कारण संगरूर से चुनाव भी लड़ाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान भी संगरूर लोकसभा सीट से सांसद हैं और पंजाब की सभी पार्टियों की नज़र भी मालवा क्षेत्र के ऊपर है। इसी कारण कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी को भी 2 सीटों से चुनाव लड़ाया जा रहा है। इन दोनों पार्टियों के अलावा अकाली दल और संयुक्त समाज मोर्चा की नज़रें भी मालवा के ऊपर टिकी हुई हैं। मालवा क्षेत्र की 69 सीटें पंजाब में सरकार बनाने की दिशा तय करती हैं और इस क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी समस्या रोजगार से जुड़ी है और इस समस्या के समाधान का वादा तो सभी पार्टियां कर रही है, लेकिन भरोसा जीतना मुश्किल हो रहा है। अब अरविंद खन्ना संगरूर से पूरे मालवा में संदेश दे रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों कई गांव के दौरे किए और उस समय रोजगार का मुद्दा उठाया, साथ ही भारतीय जनता पार्टी की योजना भी बताई। उन्होंने पंजाब को भाजपा की सरकार के बनने के बाद के परिवर्तनों का एक खाका भी लोगों के सामने पेश किया। चूंकि एनजीओ के माध्यम से खन्ना ने मालवा के लोगों को किसी न किसी तरीके से फायदा दिलाया है, तो उनके ऊपर लोगों का विश्वास भी ज़्यादा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि संगरूर के रास्ते मालवा की 69 सीटों पर अरविंद खन्ना का एनजीओ भाजपा के लिए काम कर रहा है, जिसके कारण विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों का आधार थोड़ा बढ़ा है और मालवा के चुनावी परिणाम को बदलने में इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।